the Maya International School, aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. सतना जिले के मैहर में रविवार शाम को मां शारदा देवी मंदिर के पीछे जंगल में तीन शव मिले हैं। इनमें दो शव पुरुषों के हैं जबकि एक शव महिला का है। सूचना मिलते ही मैहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। एसपी सुधीर अग्रवाल और सीएसपी राजीव पाठक भी मौके पर पहुंचे, साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस की प्राथमिक जाँच के दौरान ये सामने आया है कि तीनों मृतक सीधी जिले के रहने वाले हैं और आपस में माँ बेटे हैं। आशंका जताई जा रही है कि तीनों ने फांसी के फंदे पर झूल कर जान दी है। हालांकि उन्होंने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया है यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस सीधी में मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें बुलाने की कोशिश में जुटी हुई है। मैहर सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि देवी मंदिर के पीछे जंगल तरफ गई एक महिला ने वहां एक साथ तीन शव होने की सूचना रविवार की शाम पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुरुषों के शव पेड़ पर लटक रहे थे जबकि महिला का शव जमीन पर पड़ा था। मृतकों ने ठंड में पहने जाने वाले गर्म कपड़े पहन रखे थे। पुरुषों के शव पर जैकेट थी जबकि महिला के शव पर शॉल पड़ी थी। शव भी पूरी तरह नष्ट होकर कंकाल में तब्दील हो चुके हैं। स्थिति को देखकर फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी मौत की घटना ठंड के महीने में हुई होगी। कहां से आए आप और कौन है मृतक आप? हम सीधी जिले से आए हैं और मृतक हमारी बुआ हैं और उन्हीं के दोनों बेटे हैं। ये अक्सर माँ शारदा के दर्शन के लिए आया करती थी घर में और रुक जाया करती थी, वहीं कभी 15 दिन महीने भी बीत जाया करते थे। उस हिसाब से ये जनवरी में इस साल 19 या 20 जनवरी को आई हैं। उसके हिसाब से जब रुक जाती थी उस हिसाब से हम लोग कोई ज़्यादा वो नहीं किए कि आ जाएंगे। फिर हमको इतने दिनों में फिर मैहर पुलिस के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए हम लोग यहाँ शिनाख्त करने आए। क्या क्या नाम है मृतक के? मृतक का नाम है, लेडीज़ का नाम छुटकी साकेत है और एक लड़के का नाम दीपक साकेत और एक लड़के का नाम राजकुमार साकेत। कहाँ के निवासी हैं? ये रामगढ़ जिला सीधी मध्य प्रदेश। अच्छा, इतने दिनों से नहीं आ पा रहे, तो ऐसी कोई जानकारी पुलिस को ऐसा कुछ आपने दिया? सर जैसा कि पहले उनकी जैसे ये लोग पहले आते थे तो रुक जाते थे, तो उस हिसाब से हम लोग के साथ आ जाएंगे, उस हिसाब से हम लोग नहीं हो पिए। पहचान हो गई इनकी? पहचान हो गई सर। क्या नाम है आपका? भोला साकेत। शव मिले हैं देवी जी पहाड़ी के पीछे, क्या मामला है? देवी जी पहाड़ी के पीछे कल 3 अज्ञात शव मिले हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने लगभग 5 महीने पहले ऐसी के फंदे में लटके हुए मिले हैं। सुसाइड अटेम्प्ट की बात निकलकर सामने आ रही है। कल पुलिस ने मेहनत करके इन तीनों लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये तीनों रामगढ़ जिला सीधी के रहने वाले हैं और ये आपस में रिश्ते में माँ बेटे हैं। माँ का नाम छुटकी साकेत है, बेटे का नाम राजकुमार साकेत और दीपक साकेत है। और ये जिस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं उसे समझ में आ रहा है कि इनके इन्होंने लगभग 5 महीने पहले ही ये घटना कारित कर ली है, क्योंकि इन्होंने ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। देवी जी का वह दुर्गम रास्ता है जहाँ पर सामान्यतः लोगों की आवाजाही नहीं है, इसलिए उस बॉडी की स्मेल भी नहीं आई और साथ ही वहाँ लोग नहीं गए, इससे पता भी नहीं चला। जल्द ही हम इस घटना से जुड़े हुए तथ्यों को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं और यदि इसमें और भी कोई तथ्य निकल कर आएंगे तो उसे भी अवगत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का केस समझ में आ रहा है, इसके क्या कारण है इनके सभी परिजनों को बुला लिया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। मेडिकल टीम से इनके PM के लिए बात की गई है और अगर आवश्यकता लगी तो टीम से यह भी आग्रह किया गया है कि इसे मेडिकल कॉलेज से इनका PM कराया जाए। द माया इंटरनेशनल स्कूल एम्स टू ब्रिंग होलिस्टिक लर्निंग एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फोकस ऑन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिलेबस एंड सेंट्रिक स्किल डेवलपमेंट इन द क्लासरूम एनवायरमेंट। न्यू कैंपस एट द्वारिका नगर इन फ्रंट ऑफ ग्रीनलैंड मैरिज गार्डन।